दोस्तों को, माओं बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ऐसी हजारों दिवालियां आपको नसीब हों। जिस तरीके से दिवाली में आप रोशन रखते हैं, यह आपकी ज़िंदगी में इसी तरह रोशन और ताबनाक रहे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अकलियतों की हकूक की जामन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अकलियतों के हकूक की जंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो यहाँ तक कहता है कि मुझे अगर अकलियतों से वजीर आज़म इस मुल्क का बनाना पड़े तो मैं बनाऊँगा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ मुक्की साहब भी खड़े हैं, यहाँ पर चलो धन्यवाद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज बेहतरीन हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे सब के लिए बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आपको आज यहाँ इस ग्राउंड में
ये दिवाली का प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हुए सच पूछो मैंने बड़ी दिली खुशी महसूस की है कि आज यह हमारी माएँ बहनें इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में, उस प्यारे शहर कराची में आज़ादी के साथ अपने फैमिलीज़ के साथ इस दिवाली के प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर अकलियतों को क्या आज़ादी चाहिए। यह हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसके कायद मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी दिवाली की खुशियां हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस मरतबा उन्होंने दिवाली को लाड़खाना में सेलिब्रेट किया हिंदू बरादरी के साथ, उससे पहले मिट्टी में सेलिब्रेट किया, होली में, क्लिफ्टन में सेलिब्रेट किया। आप देखें कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन भी हमारे साथ खुशियों में शामिल होते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पूरे पाकिस्तान में और खसूसी तौर पे सिंध में और शहर कराची में हम तमाम हिंदू बरादरी हो, चाहे अकलियती बरादरी, मसीह बरादरी हो, कोई भी हो, हमारे जो भी मजहबी त्यौहार हैं हम अपने आज़ादी के साथ मजहबी हमांगी और रवादारी के साथ मनाते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग ऐसा से कमतरी का शिकार हैं उन भाइयों को, बहनों को हम कहते हैं कि हमारे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जैसे हमारे सदर खलील हो साहब ने कहा कि उन्होंने हमारे कायद ने कहा है कि हम वजीर आजम भी इस मुल्क का अकलियतों से देखना चाहते हैं, तो उससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी की बात होगी। मैं आपको बताता चलूं कि इस मरतबा दिवाली के मौके पर हुकूमत सिंध, सैयद मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर वजीर अला सिंध जो है, उन्होंने इस मरतबा अकलियतों के लिए बजट में 2 अरब रुपए रखे, जिसमें तमाम मंदिर, गिरजाघर और जो गुरुद्वारे हैं वो तामीर किए जाएंगे। और अकलियतों के लिए इस मरतबा दिवाली में पूरी सिंध में मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी साहब जो हमारे अकलियती वजीर हैं, उन्होंने सिंध में 7,200 फैमिलीज को चेक दिए दिवाली के मद में, और कराची के लिए 1700 चेक हमारी पूरी टीम, जिसमें मैं खुद ऑर्गेनाइज उसको कर रहा था, शेर हुसैन पराचा हमारी कोऑर्डिनेटर है, और हमारी पूरी टीम विजय बारिया, दीवान वीरूमल वाले और पार्टी के तमाम दोस्त जो है उसको, हमारी फैमिलीज को हमने कराची के कोने कोने तक, उन फैमिलीज तक चेक भी फराहम किए। और आप भाइयों को बताता चलूँ कि कराची में जितने मंदिर वगैरह हैं उसको हम तामीर भी करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अकलियतों की खिदमत में यकीन रखती है। और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ शमशान घाट का भी मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी साहब ने 2 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू करवा दिया है, और बागनारी मंदिर में भी काम चल रहा है। मैं रणछोड़ लाइन और जितने भी यहाँ रंगीवाड़ा वगैरह जो नारायणपुरा है, गिजरी में, उपराय मेदरी में और जहाँ भी हमारे मंदिर हैं वहाँ उसको तामीरत कराने के लिए हमने स्कीमें जमा करा दी है, और बहुत जल्द उन मंदिरों के भी काम शुरू करवाए जाएंगे। और हमारी बच्चियों को जिनको शादियों में जो गरीब खानदान है उनके लिए भी जेस फंड रखा गया है, और मेडिकल में भी फंड रखा गया है। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खिदमत करती है और हमेशा आपकी खिदमत करती रहेगी। हमारी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट खलील हो साहब जो साउथ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारे अकलियती लोगों को अभी नौकरियाँ भी दी हैं, दिवाली में उन्होंने लाइट्स भी प्रोवाइड करवाई, और खसूसी तौर पर लियारी वगैरह मुख्तलिफ इलाकों में गरीब लोगों को सैकड़ों चेक भी दिए गए, और तरक्याती काम भी कराए जाएंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि किसी भी मौके पर कोई भी आपको तकलीफ हो, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और खसूसी तौर पर मुखी उदामल दिन हो चाहे रात हो, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। आप हमेशा खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहो आज़ादी के साथ, हमारा भरपूर साथ आप लोगों के साथ रहेगा। आज का बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर एक मरतबा फिर मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप तमाम फैमिलीज को एक मरतबा फिर दिली शुभकामनाएं देते हुए कि हमेशा यही कहूँगा, हमेशा खुश रहो और हमेशा आज़ादी के साथ खुशियाँ मनाते रहो। जय भुट्टो।